के साथ बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमारी देखने को मिली है। जी हां, एनआईए की छापेमारी जम्मू कश्मीर में। आपको बताना चले कि श्रीनगर में 9 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी की गई है। बताते चले आपको कि टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की ये छापेमारी हुई है। 9 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। जम्मू पुलिस और सीआरपीएफ टीम के साथ एनआईए की संयुक्त ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमारी। आपको बताते चले जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां श्रीनगर में 9 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी हुई है। एनआईए की टीम ने 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने ये कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। जम्मू कश्मीर के 9 ठिकानों पर छापेमारी। जम्मू पुलिस और सीआरपीएफ की टीम के साथ एनआईए का ये संयुक्त ऑपरेशन आपको बता रहे हैं, जहां पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमारी देखने को मिली है। आपको बताते चले कि एनआईए ने श्रीनगर के 9 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी हुई है। और ये जो पूरा मामला है वो टेरर फंडिंग का मामला है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की ये छापेमारी हुई है। 9 ठिकानों पर श्रीनगर में 9 ठिकानों पर छापेमारी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ निशाद अहमद जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी अहमद जी, क्या कुछ जानकारी है? एनआईए की टीम ने छापेमारी की है, 9 जगहों पर, 9 ठिकानों पर छापेमारी हुई है श्रीनगर में। ये देखिए, लगभग 3 महीने के वक्त के बाद आज एक बार फिर से जो एनआईए की टीम है, एनआईए की जो एनआईए एजेंसी है, वो फिर से मुतरक हुई है जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर घाटी में। लगभग साउथ कश्मीर, इससे पहले साउथ कश्मीर के पुलवामा, कुलगाम और सुपया में अक्सर ऐसे छापे देखने को मिलते थे, लेकिन आज श्रीनगर में जिस तरह से 9 जगहों पर आज सुबह 8 बजे के करीब वहां पे पुलिस, सीआरपीएफ और एनआईए की टीम पहुंची, तो वहां पे कुछ मुश्तबा जगहों पर उन्होंने छापा मार कार्रवाई शुरू की है। तो बाजाबा तौर पर वहां से कुछ छानापुर डाउनटाउन और लाल चौक इलाके शामिल है, जहां पे 2019 से पहले वहां पे अलगावाद का जो दबदबा माना जाता था, उन जगहों पे उन्होंने छापा मारा। तो वहां से उन्हें कुछ जरूरी लवाज, जो जरूरी दस्तावेजात भी जब्त हुए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट भी जब्त किए हैं। कुछ ये भी बताया जा रहा है कि एक शख्स की गिरफ्तारी अमल में लाई गई और उससे पूछताछ जारी है, और वहां से लैपटॉप के अलावा मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि जिस तरह से टेरर फंडिंग केस के सिलसिले में ये छापामार कार्रवाई शुरू की गई है, और इससे पहले अगर साउथ कश्मीर की बात की जाए तो साउथ कश्मीर में इससे पहले भी छापा, इससे तकरीबन 3 महीने पहले वहां पे बहुत सारे मुकाम पर छापे मारे गए थे एनआईए की तरफ से। तो वहां पे कुछ पाकिस्तानी करेंसी भी जब्त की गई थी और एक ह्यूज अमाउंट वहां पे कैश भी जब्त किया गया था। और तफसीलात इस वक्त जो श्रीनगर से आ रहे हैं कि छापामार कार्रवाई अभी बदस्तूर जारी है, तो यही तवक्को की जाती है कि एनआईए को एक बहुत बड़ा कुछ सुराग वहां से हासिल हो सकता है। जी जी निसार जी, बहुत शुक्रिया आपका।